मेरा वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं ये वही मेरा फेस है जो आप पहले देख रहे थे। कितना ज्यादा ग्लो आया। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको कहीं शादी पार्टी फंक्शन में जाना है तो आप इस पैक को जरूर लगा के जाए। तो क्या इस धूप में आपके भी चेहरे पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुकी है? जैसा कि धूप अभी बहुत ज्यादा तेज हो जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए आप बाहर जाते होगे ना तो पूरा टैन लेके आप आ रहे हो, आपके फेस पे इतनी टैनिंग हो जा रही है, नेक पे टैन है या फिर आपके हैंड पे बहुत ज्यादा टैनिंग है। तो आज की जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इतनी ज्यादा सुपर रेमेडी है, आप इसे एक बार ट्राई करेंगे सिर्फ एक एप्लीकेशन में आप देखेंगे आपकी 90% का टैनिंग रिमूव हो जाएगी। तो आज जो मैं रेमेडी आपसे बताने वाली हूँ ना, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच कॉफी का चाहिए। कॉफी हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे जो कॉफी होती है ना इसमें कैफीन बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो जो कैफीन है ना ये हमारी बॉडी में जब जाती है ना तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे हमारी स्किन लाइट होती है, टाइट होती है और ब्राइट भी बहुत ज्यादा होता है। कॉफी जो है ना इसमें लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये हमारे फेस को टाइट भी करता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया इसमें ये हमारी स्किन पे जाके ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ाता है, इससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगती है, टाइट लगती है। तो चलिए आज की रेमेडी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको ये रेमेडी बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक खाली बॉल ले लिया है। अब इस बॉल में आपको ऐड करना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल है, ये भी हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारे स्किन से दाग धब्बों को मिटाता है, रिंकल्स को रिमूव करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लेना है एक चम्मच कॉफी। देख लीजिए आपको एक चम्मच कॉफी का लेना है और एक चम्मच नारियल का तेल का। कॉफी आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी 4 से 5 बूंदे जो है ना वो स्वीट ग्लिसरीन की लेनी है। ग्लिसरीन है ना इसमें नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, आपको फ्री में मिल रहा है, बहुत ही कम खर्चा करने पे आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 4 से 5 ड्रॉप जो है ग्लिसरीन का लेना है। उसके बाद आपको एक चम्मच यहाँ पे डालना है एलोवेरा। ये तीनों चीजें लेने के बाद है ना आपको एक चम्मच लेना है भर के एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल जो है इन सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस कर देगा, इनको अच्छे से मिक्सअप कर देगा। तो अब इन चारों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए और आपका ये टैन रिमूवल पैक बनके तैयार हो गया है। तो गाइज अब आपको इसे लगाना कैसे है मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। तो इसे लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फेस जो है अच्छे से वॉश कर लेना है, आपको क्लीन फेस होना चाहिए। तो आप ऐसे लगा लीजिए, लगा के आप इसे कुछ टाइम तक अपने फेस पे छोड़ेंगे, उसके बाद है ना अपने चेहरे को आप वॉश कर लेंगे। तो ये रेमेडी आप चाहे तो रोज भी लगा सकते हैं, आपको अगर टैनिंग बहुत ज्यादा है ना तो आप इसको रोज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको इसी तरह से लगाना है। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है ना, जो कॉफी होता है ना हमारे टैन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। आप इसके एप्लीकेशन के बाद है ना जब आप इसको वॉश करोगे आप देखोगे आपके फेस पे एक अलग तरह का आपको निखार दिखेगा। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बना है, इसको लगाना भी कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप कोई मलाई या फिर कोई क्रीम लगा रहे हो अपने चेहरे पे। तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद ही इसे आपको अपने चेहरे से हटाना है। तो ये देखिए लग गया। और अगर आपके हाथों पे है जनों बहुत ही ज्यादा टैनिंग है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे अपने हैंड पे भी लगा सकते हैं, अपने नेक पे लगा सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है, अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी जरूर दिखाऊंगी। मैं इसे एक कॉटन बॉल की हेल्प से हटा के आपको दिखा रही हूँ। ओ माय गॉड इतना ज्यादा ग्लो, इतना अच्छा रिजल्ट, गजब है ये। आप इसको जरूर ट्राई करिए, देख सकते हैं ना मेरी स्किन कितनी ज्यादा साफ लग रही है। तो अब मैं इसे आपको पूरी तरह से वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा वही फेस है जो कि आप देख रहे हैं पहले वाला, मैं अच्छे से वॉश कर लिया और अब मेरा हाथ देखिए कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आपको कहीं भी शादी पार्टी या फिर फंक्शन में जाना है तो आप इस पैक को जरूर से जरूर ट्राई करके जाए। हर कोई आपसे पूछेगा आप इतने चमक कैसे रहे हैं, आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन अभी कितनी ज्यादा लाइट मार रही है, बिल्कुल मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे पानी से वॉश किया है, इवन कुछ भी नहीं लगाया। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। टैनिंग तो पक्की जाएगी और आपकी स्किन भी और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो आप इसे रेगुलर तौर पे भी लगा सकते हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है गाइस। एक बार मेरे कहने से आप इसे जरूर ट्राई करें, आप इसे बार बार ट्राई करने वाले, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है।
जो कि अभी आपको मेरे फेस पे दिख ही रहा होगा कितना ज्यादा मेरा फेस चेंज हो चुका है और उतना ज्यादा ग्लो है, इतना ज्यादा चिकना मेरा फेस है ना। इसमें मैंने ग्लिसरीन डाला है, ग्लिसरीन हमारे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नारियल का तेल है, बहुत ज्यादा अच्छा है इसमें, वो सारी ही चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। मेरा स्किन देखिए कितना, मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब कितना ज्यादा लाइट मार रहा है, कितना ग्लो कर रहा है। ये मेरा फेवरेट हो चुका है जब से मैंने इसको ट्राई किया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो आप मुझे अप्रिसिएट करने के लिए लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ढेर सारी रेमेडी देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।